वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी के पाउडर्स के रिव्यू करने वाली हूँ। मैं आपके साथ जो इस वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का पाउडर, जो खासकर बेबीज़ के लिए बनाया गया है। उसके बारे में आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इस बेबी पाउडर को क्यों यूज़ करा है और किस लिए मंगाया है स्पेशली। और हम सभी ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो न्यूली पेरेंट होते हैं, उन सबको यही इच्छा होती है, यही होता है कि यार मेरे बच्चे को एकदम नेचुरल चीज़ मिलनी चाहिए, केमिकल फ्री मिलनी चाहिए, जो उसकी स्किन को इतनी, जो सॉफ्ट स्किन होती है बच्चे को, उसको हार्म ना करे। तो इतने रिसर्च के बाद मैंने ये वाला पाउडर चूज़ करा है और मैं इसमें आपको बेनिफिट बताऊँगी इसके, कि हम इसे क्यों मंगाएं और अपने बेबी के इस पर क्यों यूज़ करें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें मैं इसके सारे बेनिफिट्स बताऊंगी, मुझे कितने का मिला, कहां से आप बाय कर सकते हो और ये क्यों यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैंने इसे अपने बच्चे के लिए मंगाया था और ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ इसका एक रिव्यू शेयर किया जाए। और ये बेबीज़ के लिए काफ़ी सेफ़ होता है, मैं अपने बच्चे पे यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी सेफ़ है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, ये ममा अर्थ का जो प्रोडक्ट डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज़ के लिए, स्पेशली बेबीज़ के लिए बनाया गया है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, इसमें कोई टैग नहीं है, डाइज नहीं है, पैराबीन नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक है, ओटमील है, अरारोट पाउडर से बना हुआ है। आप इसे अपने बच्चे को न्यू बॉर्न से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों को आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। जो हम कॉन्शियस होते हैं अपने बेबीज़ को लेके कि हमें क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, ताकि हमारे बच्चे की स्किन को कोई इरिटेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पाउडर है। मैं अपने बच्चे पे यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ है उस हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। न्यूबॉर्न बेबी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी थोड़े बड़े बच्चे पे तो हम सोच लेते हैं कि ये वाला लगा देते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये एकदम सेफ है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। दूसरी बात, इसके अंदर जो आती है वो ये क्या क्या हमारे बच्चे की मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, SLS नहीं है, पैराबीन नहीं है, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कॉर्नस्टार्च है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जब अपने बच्चे पर पाउडर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वो इनहेल भी कर लेता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स क्लॉगिंग इसके अंदर नहीं है। जो नॉर्मल वाले पाउडर आप लगाते हो उनसे आपके बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो धोखे से माँ से चला जाता है बच्चे के मुँह वगैरह में। और इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये है, इसमें ऑर्गेनिक ओटमील का पाउडर है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो बच्चे की स्किन को एकदम प्रोटेक्ट रखता है, ड्राई रखता है, और इचिनेस और इरिटेट जो होती है स्किन, उससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट रखता है, मॉइस्चर बनाए रखता है। नेचुरल जो कॉर्नस्टार्च है इसके अंदर, वो हेल्प करता है बच्चे की बॉडी को एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा मॉइस्चर, और एंटी माइक्रोबियल होता है, जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाता है, इचिनेस हो जाती है, उस सबको भी ये ठीक करता है। फिर इसको जो यूज़ कैसे करना है वो है दोस्तों, आपको थोड़ा सा लेके पाउडर नहाने के बाद, बच्चा जब नहा ले उसके बाद थोड़ा सा पाउडर आपको हाथ में लेना है, उसके बाद बच्चे की स्किन पे अप्लाई करना है। और जो इसकी दूसरी चीज़ है, इसको और कैसे यूज़ करना है, जब आप बच्चे को नहला देते हो, डायपर पहनाते हो, नॉर्मली जब आप बच्चे को डायपर पहनाते हो तो थोड़ा बहुत गीला जो रहता है, रैशेस की जो प्रॉब्लम आ जाती है, उससे बचाने के लिए थोड़ा सा पाउडर उस पर डस्ट कर दो, उसके बाद आप बच्चे को डायपर पहनाओ तो आपके बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये वाला पाउडर, आपको रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे के साथ कोई भी। और जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है कॉर्नस्टार्च है, ऑर्गेनिक अरारोट पाउडर है, और दूसरा जो इसके अंदर असेंशियल ऑयल है वो है लेवेंडर असेंशियल ऑयल, जो इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस होती है, ठीक है। फिर इसकी जो पॉजिटिव बात जो होती है, ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये बना लेते हैं, और सबसे ज़्यादा सेफ है बच्चों के लिए, केमिकल फ्री है दोस्तों। तो मुझे अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और इस पे जो रेट दिया गया है वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, इस पे 199 रेट दिया गया है, लेकिन जो मिला है मुझे ये 150 का मिला है। आराम से आप इसे खरीद सकते हो और मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। जो न्यूली पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, समझें और अपने बच्चे के लिए पाउडर जो भी अगर वो सर्च कर रहे हैं मंगाने के लिए तो वो यही मंगाएं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को न्यूली बॉर्न से शुरू से ही इस पाउडर को यूज़ करा है, उसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप डायपर के टाइम पे उसे ज़रूर मंगाएं, डायपर जब पहनाएं तो उसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा पाउडर है, कोई टैग नहीं है, कोई डाई नहीं है, कोई पैराबीन नहीं है, और बच्चे के लिए बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है, एकदम
केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, आप इसे ज़रूर मंगा सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसा मर्जी चाहो वैसा मंगा सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, इजीली आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नई की नई ऐसी वीडियो लाती रहूँ।